नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सारथी टेक्नोलॉजी के एक और नए वीडियो में। अभी हम लोग टेबल के बारे में सीख रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने ये सीखा कि टेबल में कलर कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हम टेबल में कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम इसको रन करेंगे। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने एक सिंपल टेबल को बनाया है, तो इसे जस्ट रन कर देखते हैं। ये टेबल क्रिएटेड और ये एक सिंपल टेबल है जो मैंने क्रिएट कर रखा है, और मैं चाहता हूँ कि इसके इस सेल में हम एक इमेज ऐड करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक इमेज होना चाहिए, और इस एग्ज़ाम्पल में मेरे पास ये एक इमेज है, और इसको मैं इस सेकंड वाले सेल में इस नाम की जगह पर मैं ये इमेज डालना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको कॉपी करेंगे और अपने प्रोजेक्ट में यहाँ हमने पिछले वीडियोस में एक इमेज का फोल्डर बनाया था। अगर आपने ये नहीं बनाया है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू और एक डायरेक्टरी, यहाँ पर आप डायरेक्टरी नेम दे सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पर इमेजेस दिया था। तो इसको जस्ट एस्केप प्रेस करेंगे और इस डायरेक्टरी में हम अपनी इमेज को पेस्ट करेंगे। यहाँ आप नाम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इमेज हमारी यहाँ पर आ चुकी है, और अब हमारा जो सबसे पहला काम है वो है इस इमेज के लिए एक पाथ बनाना। तो ये हम यहाँ बनाएंगे स्ट्रिंग img path, और पाथ होगा पहले डायरेक्टरी नेम जो कि है इमेजेस, डबल बैक स्लैश, और उसके बाद और लास्ट में एक सेमी कॉलन यहां पर। ठीक, तो हमारे पास पाथ है, और अब हम क्या करेंगे, एक इमेज डेटा ऑब्जेक्ट, इमेज डेटा, और यहां पर रहेगा इमेज डेटा फैक्ट्री, और इमेज डेटा फैक्ट्री डॉट क्रिएट, और यहां पर हम पुट करेंगे पाथ। ठीक, और एक और ऑब्जेक्ट बनेगा इमेज नाम से, तो इमेज न्यू इमेज, और यहां पर हम पुट करेंगे इमेज डेटा। तो अब इस समय हमारे पास एक इमेज ऑब्जेक्ट है और जिसे हम पुट करना चाहते हैं अपने एक सेल में, और वो सेल है ये। तो हम इस टेक्स्ट को हटाएंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे इमेज ऑब्जेक्ट। ठीक, तो बस इतना सा ही काम था। अब इसे रन कर देखते हैं। यहाँ पर हमें एक एरर मिला है, और एरर है This process cannot access the file because it is being used by another process. तो वो इसलिए है क्योंकि ये फाइल ओपन है। तो इसे क्लोज करो और एक बार फिर से रन। यहाँ PDF created, और अब हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक सेल में कैसे एक इमेज को ऐड किया है। तो इस वीडियो में हम
इतना ही रखेंगे, वैसे इसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, इस टेबल के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए। तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।